अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखास किचन से आया हूँ। आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की सीख कबाब, जिसका नाम है शेजवान सीख कबाब। इंडो चाइनीज के स्टाइल की, थोड़ा इंडियन थोड़ा चाइनीज दोनों को मिक्स करते हैं। इतने सालों से हम वही तो करते आ रहे तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस कीमा। अच्छा, ये थाई पोर्शन है, आप चाहे तो ब्रेस्ट पोर्शन का भी कीमा करवा सकते हैं। मैंने धो के नितारने 15 मिनट के लिए छन्नी पर साइड पर रख दिया था। अब अगर आपको लगे कि हल्का पानी जैसा है उसमें, तो इस तरीके से हल्का हल्का निचोड़ कर इसे इसमें डाल दीजिए मिक्सर जार के अंदर। बट एकदम कसमत निकाल दीजिएगा, हल्का सा ही निचोड़ कर डालिए। इसमें डाल दीजिए एक छोटे चाय का चम्मच नमक, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये है आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, ये 1.5 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है तो 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। ये है 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर, 2 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ और दरदरा पीसा हुआ साबुत धनिया, और ये है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस, और यहाँ पर मैंने 2-3 हरी मिर्चियाँ ली हैं, आप एक भी डाल सकते हैं, थोड़े से पुदीने का पत्ते और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया, 3 टेबलस्पून बिरिस्ता भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 2 टेबलस्पून मक्खन या फिर असली घी, मैं असली घी डाल रही हूँ, और ये 2 ब्रेड को मैंने हाथों की मदद से तोड़कर इसे डाल दिया। मिक्सर जार का ढक्कन लगा लीजिए और इस तरीके से एकदम बारीक पीस लीजिए। जब अच्छा बारीक पीसा जाए तो एक बड़े से प्लेट में निकाल लीजिए ये सारे मिक्सचर को चिकन के। अब ये मिक्सचर को मैं एक बार इस तरीके से सारा बीच में ले आती हूँ। बीच में थोड़ा सा गैप कीजिए और यहाँ पर स्टील की बाटी रख दीजिए, उसके ऊपर गरम कोयला रख दीजिए और गरम कोयले के ऊपर घी तेल या मक्खन क्विकली डाल दें और इसे ढक दें और उसके ऊपर कुछ वजन रख दें और उसे तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पर रख दें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। चलिए, आधा घंटा हो चुका है, इसका वाटी हटा दीजिए, कोयला फेंक दीजिए और एक बार है ना हमारे मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए, चिकन के मिक्सचर को। अब इसके इक्वली पोर्शंस में इसे डिवाइड कर दीजिए। मैं तकरीबन 12 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं 12 सीख बना रही हूँ। एक कांडी लीजिए या फिर सीख ले लीजिए, उसके ऊपर ये एक पोर्शन ले लीजिए, इस तरीके से फैला दीजिए। हाथों को पहले तेल या पानी की मदद से ग्रीस कर लीजिएगा, इस तरीके से फैला लें तो उंगलियों की मदद से इस तरीके से निशान दे दीजिए। तो ये बन गई हमारी एक सीख, इसी तरीके से सारी बना लीजिए। अब अगर आपके पास सीख हो जो स्टील की होती है, इस तरीके से उस पर लगा दें, उंगलियों के निशान दे दें और इस तरीके से आप नीचे से पुश करेंगे ना, तो डायरेक्टली ये आप फ्राई पैन के अंदर डाल दीजिए या बनाकर साइड पर रख दीजिए। बट मैं कांडियों में लगाकर रख रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एक हफ्ते तक। इसे एज इट इज 1 घंटे के लिए फ्रिज में रहने दें नीचे। जब 1 घंटा हो जाता है तो इसे कांडियां निकाल लें या कांडियों के साथ एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में डालकर इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख दें। जब चाहें एक हफ्ते तक खा सकते हैं, निकालें थॉ करें और फ्राई करें। पर मैं एक बैच अभी बना रही हूँ और एक बैच रात को बनाऊंगी, तो एक प्लेट मैं अंदर फ्रिज में रख देती हूँ और मैं फ्रीजर में नहीं रख रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो अभी एक बना रही हूँ उसको फ्राई कर लेते हैं। 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दें एक फ्राई पैन के अंदर, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दें, अच्छा हल्का मेल्ट हो जाए। तो ये मैं तो सारी 6 के 6 सीख डाल देती हूँ इसके ऊपर, और समझिए ना 15-20 सेकंड इसे पकने दें पीछे की साइड। जब 15-20 सेकंड हो जाए फास्ट आंच पर पक के, तो इसे पलट दीजिए। अब इसे बार बार उलट पलट करते हुए सीखों को पका लीजिए, चारों ओर से ग्रिलिंग स्पॉट्स दिला दीजिए। जब डार्क ग्रिलिंग स्पॉट्स आ जाए तो तब तक तो अंदर भी पक जाएगी आपकी चिकन, क्योंकि एज इट इज पीसी हुई और चिकन वैसे भी जल्दी पक जाती है। चलिए, सारे पे ग्रिलिंग स्पॉट्स आ गए हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ नितार कर। और अभी फिलहाल मैं जो शेजवान सॉस बना रही हूँ ना, तो मैं 6 के मेजरमेंट के हिसाब से बना रही हूँ। तो अगर आपको ये पूरी 12 के मेजरमेंट के हिसाब से बनानी है, तो जो शेजवान का जो मेजरमेंट है वो आप सारा डबल लीजिएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो वही फ्राई पैन लें या मेरी तरह दूसरा फ्राई पैन ले लीजिए। थोड़ा तेल डाल दीजिए, तेल डालने के बाद 1.5 छोटा चाय का चम्मच या 1/4 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर लहसुन को फास्ट आंच पर फ्राई कीजिए। तकरीबन समझिए ना आधे मिनट तक फ्राई करना है।
अच्छा जिसमें फ्राई किया था मैं वो वाला जो मक्खन का जो है वो भी डाल देती हूँ थोड़ा, तो उसका भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा हमारे सॉस के अंदर। चलिए आधा मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस, 2 छोटी चाय के चम्मच शेजवान चटनी, आधा छोटी चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटी चाय का चम्मच चिली सॉस, 1/4 छोटी चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा या 3/4 छोटी चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 छोटी चाय का चम्मच विनेगर। ये सारी चीज़ों को डालकर सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। 1/4 कप पानी डाल दीजिए इसमें और इसे मिक्स कर कर तकरीबन 1-2 मिनट पकने दीजिए, सो दैट हमने जो लाल मिर्ची का पाउडर वगैरह डाला है वो थोड़ा पक जाए स्लो आँच पर। जब इस तरीके से हल्का तेल छोड़ने लगे तो कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दीजिए, तकरीबन 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है थोड़े से पानी में, तकरीबन 1/4 कप जितना पानी होगा। इसे मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने स्लो पर ही रखा है, अब भी ये देख सकते हैं आप बहुत थिक हो गया, तो हमें इतना थिक नहीं चाहिए। अब मैं 1/8 कप मतलब 1/4 कप का आधा, ये 1/8 कप जितना पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लीजिए। इसमें हल्का उबाल आने का वेट कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ, चुटकी भर नमक डाल रही हूँ। अब चख लीजिए, आपको लगे कि मिठास कम है थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल दीजिए, खटास के लिए सोया सॉस, और ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो चिली सॉस। मैंने थोड़ा मेरे हिसाब से एडजस्ट किया है। चख लीजिए, आप चाहें तो नमक टोटली स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बाकी सब सॉसेज में नमक होता है। अब इसमें ये देखिए हल्का उबाल आ गया ना, तो अब इसमें ये जो सीख है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये कांडियों में से निकाल निकाल कर इस तरीके से डाल दें। आप चाहे तो इसी तरीके से उंगलियों की मदद से निकाल लें सीख को, या फिर रोटी से निकाल लें। चलिए अब इसे चूल्हा मैंने फास्ट या मीडियम कर दीजिए और इसे हल्का पकने दीजिए। अब हल्का थिक हो जाए और सारी अच्छी लोट लीजिए आपकी ये जो सीख को, अच्छे से लोट जाए ये हमारे शेजवान सॉस के अंदर, तो चूल्हा बंद कर दीजिए और थोड़ी सी कोथमीर या फिर हरा धनिया यामिन या फिर बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज की पत्ती डाल दीजिए। अब यहाँ सुखाना कितना है वो आपके ऊपर है। आपको थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि हर बाइट में आपको सीख के साथ ये शेजवान का फ्लेवर आए, तो बस इसी समय बंद कर दीजिए, थोड़ा सा ग्रेवी रहने दीजिए। और अगर आपको चाहिए कि हल्की हल्की लगी हुई सीख के ऊपर हमारी ये शेजवान चटनी होनी चाहिए, तो आप मेरी तरह थोड़ा ज्यादा सुखा दीजिए। मैंने थोड़ा ज्यादा सुखाया है। चलिए मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक एक करके प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ। तो गर्मा गर्म सर्व करें हमारी ये शेजवान सीख कबाब को, बढ़िया सी मजेदार सी, एकदम डिलीशियस। अच्छा मैंने कम रखा है ग्रेवी, आप थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं शेजवान की, जैसे मैंने आपसे कहा ये ग्रेवी है। और अगर आप रमजान में बना रहे हैं तो ये जो स्टार्ट में जब आप सीख भी बना रहे हैं तो मिर्च और लाल मिर्ची और काली मिर्च और काली मिर्चों का पाउडर वो कम ही डालिएगा, या अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। हाँ तो चलिए मैं आपको खा के दिखा कितने सॉफ्ट कितनी है माशाल्लाह के, एकदम 1 मिनट में टूट गई माशाल्लाह। मैं इसे थोड़ा सा लगा के खा रही हूँ सॉस जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ बहुत ही मजेदार, ऑसम टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया मजेदार, बाहर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से एकदम नरम, और जो सॉस का जो टेस्ट आ रहा है शेजवान के जो हमने बनाया बहुत ही बढ़िया आ रहा है, एकदम इंडो चाइनीज फ्यूजन है ये हमारी सीख कबाब, एकदम बहुत ही मजेदार है माशाल्लाह। तो आप बनाए ये रेसिपी और कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपने पता है आपने क्या करना है, लाइक कीजिए ये वाली रेसिपी का, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिए फॉरवर्ड कीजिए। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंडर लाइन एंजॉय शेजवान चिकन सीख कबाब, ऑसम, और अंदर एक डुंगार का मतलब कोयले का जो टांडे का भी फ्लेवर आ रहा है, मजेदार।